गुड इवनिंग हिमाचल। बर्ड फ्लू की दहशत के बीच सोलन में मृत मुर्गों के मिलने का क्रम जारी है। लगातार तीसरे दिन फिर से नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे सैकड़ों मृत मुर्गे फेंके गए हैं। हालांकि इस बार मामला जिला मुख्यालय सोलन के समीप का है। बड़ोक बाईपास पर टनल के दूसरे छोर के समीप मृत मुर्गों का झुंड मिलने से फिर से दहशत फैल गई है। सवाल उठ रहा है कि लगातार तीन दिन से नेशनल हाईवे पर कोई शरारती तत्व इस कृत्य को अंजाम दे रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। फिलहाल पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और सैंपल एकत्र कर जालंधर लैब के लिए भेज दिए गए हैं। आज तीसरा दिन हो गया है जो हमारे इस सोलन जिले में इस तरह से मृत पक्षी फेंके जा रहे हैं। तो दोपहर को ये सूचना मिली यहाँ पे और हमारी टीम तुरंत यहाँ पे पहुँच गई थी। जो हमारे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी धर्मपुर हैं, सैंपल्स भी रूटीन में ले लिए गए हैं। अभी पिछले सैंपल दिए हैं, उसी उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई है, शायद कल तक आने की उम्मीद है। और हालांकि कल जिलाधीश महोदय द्वारा स्ट्रिक्ट आदेश भी निकाले गए हैं, बैरियर्स पे भी हमारे स्टाफ और पुलिस वाले मिलकर वो तैनाती कर दी गई है। रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई भी गाड़ी जो पोल्ट्री बर्ड्स या चिकन या अंडे ला रही है उनको आने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी पता नहीं ये कहाँ से आज ये आए हैं। और अभी देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि ये एक आधे दिन पुराने फेंके गए हों, एक दो दिन। तो अभी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही पता चलेगा। जो प्रोटोकॉल है, जैसा हमने कल भी परसों भी किया था, वो सैंपल फिर से लिए गए हैं, ये फिर से भेजे जाएंगे। और प्रशासन से भी गुजारिश की जाएगी कि सख्ती से और सख्ती से ज़रा पेट्रोलिंग पुलिस द्वारा बढ़ाई जाए। सर, क्या कारण मानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जो मुर्गे मरने की, सर क्या कारण हो सकते हैं? कारण तो अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आती कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता। हम तो बर्ड फ्लू की तरफ ही, हमें उसी का ज़्यादा खतरा है कि वो ना हो, ताकि हमारे ज़िला में जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनको ये बीमारी ना फैले। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही रहेगा कि उसको रोका जा सके। सर, क्या इससे आदमी भी संक्रमित हो सकते हैं? बिल्कुल, आदमी भी हो सकता है, संक्रमित हो सकता है जो इसको हैंडल कर रहे हैं। ये वायरस है और हवा से भी आता है और खासकर किसी चीज़ के खाने से भी जाता है। तो सारी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, तो प्रोटोकॉल के मुताबिक काम लिया। जिला किन्नौर में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर किन्नौर जिला में 3 जगह क्षेत्रीय चिकित्सालय रिकांगपियो, पूह व किल्बा में ड्राई रन किया गया है। रिकांगपियो में ड्राई रन को लेकर सीएमओ किन्नौर डॉक्टर सोनम नेगी ने जायजा लेते हुए लोगों को जानकारी दी। इस दौरान एसडीएम कल्पा डॉक्टर मेजर अवनिंद्र शर्मा ने भी क्षेत्रीय चिकित्सालय में पूर्वाभ्यास का जायजा लिया। एसडीएम कल्पा डॉक्टर मेजर अवनिंद्र शर्मा ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों पर जिला में 3 स्थानों पर ड्राई रन किया गया है। पूरी टीमों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिससे कोविड का वैक्सीनेशन आते ही वैक्सीनेशन करवाने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। इस दौरान सीएमओ किन्नौर डॉक्टर सोनम नेगी ने भी बताया कि जल्द ही कोविड इंजेक्शन लगने वाली है। इस संदर्भ में जिला के 3 स्थानों में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ड्राई रन किया जा रहा है। प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में आज कोरोना वैक्सीन ड्राई रन चला हुआ है। जिला मंडी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 स्थानों पर ड्राई रन का आयोजन किया गया। ड्राई रन के दौरान किसी को भी वैक्सीन नहीं दी गई, इसमें केवल कोरोना वैक्सीन के लिए अभ्यास किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मंडी जिला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कनैड और केएस हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन का सफल ड्राई रन किया गया। उन्होंने कहा कि कोविन ऐप पर जिन लाभार्थियों ने पंजीकरण किया था, उन्हें ड्राई रन में शामिल किया गया था। सिंबल मिलते ही बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम अंकित करने की प्रक्रिया अब युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। बता दें कि गोहर विकास खंड के अंतर्गत 3 चरणों में संपन्न करवाए जा रहे पंचायत चुनाव में मैदान में उतरे तमाम उम्मीदवारों के नाम बैलेट पेपर पर अंकित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने 170 कर्मचारियों को तैनात कर दिया है। शुक्रवार को राजकीय महाविद्यालय बासा गोहर में उम्मीदवारों के नाम बैलेट पेपर पर अंकित करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। इस कार्य को संपन्न करने हेतु प्रशासन द्वारा तैनात किए गए 170 कर्मचारियों में से अधिकांश संख्या प्राथमिक शिक्षकों की बताई जा रही है। उप
उपायुक्त किन्नौर हेमराज बैरवा ने रिकांगपियो स्थित बचत भवन में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने यहां कल्पा ब्लॉक के तहत पंचायती राज चुनाव प्रक्रिया में शामिल पीठासीन अधिकारियों के पूर्वाभ्यास का जायजा लिया। उन्होंने मतदान व मतगणना प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को कहा कि इस दौरान कोविड 19 से बचाव के लिए जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि सभी मतदान दलों को थर्मल स्कैनर सैनिटाइजर दिया जाए। उपमंडलाधिकारी कल्पा डॉक्टर मेजर अवनिंद्र कुमार ने चुनाव प्रक्रिया में उपयोग होने वाले सभी दस्तावेजों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में शिमला के रिज से धर्मशाला तक पदयात्रा हो रही है। यह पदयात्रा राजीव गांधी पंचायती राज संगठन निकाल रहा है। शुक्रवार को यह यात्रा धर्मशाला के निचले छोर पर बसे अंतिम गांव बगली से निकली। इसमें पंचायती राज संगठन के मीडिया प्रभारी अनिल गोयल, मनोज चौहान, सुमित खन्ना, हीरापाल, कुलदीप कुमार, कपिल शर्मा, सुमित शर्मा, आशीष कुमार, डिंपल कुमार, निखिल शर्मा, महेश्वर सुरेंद्र, राजीव चौहान, रोहित कुमार, परवीन, अतुल बोहरा, नरेंद्र कुमार, कुलवंत सिंह आदि इस पदयात्रा में भाग ले रहे हैं। बगली में दीपक राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानून किसानों के खिलाफ हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से तीन सवाल किए हैं। पहला यह है कि आखिर सरकार MSP क्यों नहीं देना चाहती। दूसरा यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार क्यों नहीं होगा। और तीसरा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम क्यों खत्म किया जा रहा है। दीपक जी, ये जो आपने यात्रा निकाली है, ये किस लिए और क्यों जरूरत पड़ी है?